नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत करता हूं। गाइस, एक बहुत बड़ी खबर चल रही थी आज कि एमसीडी पीआरटी का रिजल्ट आ गया है, उसके साथ में टीजीटी वगैरह के बारे में भी अफवाह चल रही थी और कुछ यूट्यूब चैनल पर भी मैंने देखा था, तो उसमें भी था कि एमसीडी पीआरटी का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों, उस टाइम साइट बिजी थी तो ये कन्फर्म नहीं हो पाया और मैंने सभी साथियों को बोला कि अभी ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं और होगी तो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि लग नहीं रहा था कि रिजल्ट इतनी जल्दी वो दे देंगे, क्योंकि रिजल्ट का अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, 15-20 डेज अभी लग सकते हैं, तो लग नहीं रहा था कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ जाएगा। इसके बाद काफ़ी साथियों के मेरे पास कॉल, मैसेजेस और कमेंट्स आए थे, तो मैंने सभी को ऐसे ही बोला कि अभी साइट चल नहीं रही है और अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं है कि रिजल्ट आ गया है। लेकिन जो सर थे जिन्होंने डाली थी वीडियो, तो मुझे लगा उन्हें देख के कि हो सकता है कि रिजल्ट आ गया होगा, और हालांकि उन्होंने बाद में वो वीडियो डिलीट कर दी थी। और जहां तक है कहीं ना कहीं से उनको किसी ने या तो गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, हालांकि जो वो सर हैं बहुत अच्छी वीडियोज़ डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ गलत, तो उनको या तो गलत तरह से रिप्रेजेंट किया गया होगा उनको, या तो गलत तरीके से कोई चीज़ बताई गई होगी, तो इस वजह से उन्होंने वो वीडियो डाल दी, हालांकि बाद में वो डिलीट कर दी। तो दोस्तों, जो रिजल्ट है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बाद में जब साइट चली तो साइट पे मैंने देखा तो अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, और इवन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कट ऑफ के बारे में भी बात चल रही थी कि कट ऑफ इतनी जा रही है, वो बात भी चल रही थी, 87 जनरल 75 ओबीसी ऐसे करके कट ऑफ की भी बात चल रही थी। तो मतलब ऐसे देख के बड़ा अजीब सा लगा कि यार अभी साइट पे कुछ है ही नहीं और अफवाह चल रही है। तो सबसे पहले आप बिलीव करें वो चीज़ें, और अगर कोई चीज़ एक्चुअल में होगी तो आपको बताई जाएगी, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे आप बिलीव कर लें, और अफवाह वगैरह हैं उन पर आप बिलीव ना करें। साइट पे जो चीज़ आए उसे देखें, ये नहीं कि कोई भी न्यूज़ आ गई आप उस पर बिलीव करने लगे। तो साथियों, अगर कोई न्यूज़ ऐसी रहेगी तो आपको सबसे पहले अवगत कराया जाएगा, आप टेंशन ना लें। और बता देना चाहता हूँ रिजल्ट के बारे में, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि रिजल्ट इतनी जल्दी आ सकता है, रिजल्ट में अभी और थोड़ा टाइम लग सकता है, मैं खुद वहाँ जाके देख के आया हूँ, तो अभी टाइम लग सकता है, इतनी जल्दी अभी रिजल्ट नहीं आ रहा, 10-15 डेज अभी और लग सकते हैं, जहाँ तक उम्मीद है 10-15 डेज से पहले आ सकता रिजल्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम रिजल्ट आ जाए, और अगर रिजल्ट आएगा तो आपको सबसे पहले अपडेट करा दिया जाएगा। इसके बाद साथियों, कुछ और जो साथी थे उन्होंने ग्रुप वगैरह भी बना लिए थे कि रिजल्ट आ गया है, वहाँ पे फिर मैंने ज्वाइन करके देखा ग्रुप, तो उस ग्रुप में बात चल रही कि इतनी कट ऑफ चली गई है। तो एक बार तो मुझे लगा कि हो सकता है कि ये चीज़ रियल हो, लेकिन बाद में जब साइट चली तो सारी चीज़ें फेक लगी। तो इसके बाद जितने साथियों तक मैं पहुंचा सकता था बात, मैंने पहुंचाने की कोशिश करी। इसके बाद आज मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से अभी टाइम मिलते ही मैंने सभी को बताना ज़रूरी समझा कि ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं, आप इन बातों पे विश्वास ना करें। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातें समझ गए होंगे, और अभी जिन साथियों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, अभी SST वाले कुछ साथी थे, PGT वाले, तो वो DSSB ऑफिस में कांटेक्ट करें, उनको जो दिक्कत आ रही है, और जितना सॉल्यूशन हमसे हो पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का जो काला बटन है नीला करके जरूर जाएं। तो गाइस, थैंक यू, गुड बाय।